आज अगर हम समाज की हालत देखें और पीछे मुड़कर भी देखें तो अनेक ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिनको कोई भी समझदार व्यक्ति, जगा हुआ व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर चाहे वो जाति प्रथा के नाम पर हो, पशु बलि के नाम पर हो या किसी अन्य नाम पर हो। ऐसी ही एक समस्या हमारे समाज में आज भी जड़ जमाए हुए है, वो है नारी के संबंध में, स्त्री के संबंध में। ऐसा नहीं है कि आज भी स्त्री मुक्त हो गई है, उसका शोषण आज भी होता है, लेकिन तरीके बदल गए हैं। आज जरूर कुछ स्त्रियां बाहर निकलने लगी हैं, काम करने लगी हैं, अनेक क्षेत्रों में प्रवेश करने लगी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में स्त्रियों की हालत बहुत बेहतर नहीं है। अभी भी वही सारी बातें अभी भी चल रही हैं कि उसको साड़ी पहनना है, मुंह ढकना है, चूड़ियां पहनना है, घर से बाहर नहीं जाना है, पति की सेवा करना है, उनके सामने कभी मुंह नहीं खोलना है। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि इसको लोग धर्म समझने लगे हैं, और उससे भी ज़्यादा भयानक समस्या ये है कि स्त्रियों ने इसे स्वीकार कर लिया है, वे खुद नहीं चाहती अब इसे छोड़ना, बहुत अधिक ऐसी हो गई हैं, और लोग इसे धर्म और संस्कृति का हिस्सा समझते हैं। पर क्या वास्तव में ये सारी परंपराएं, मान्यताएं, प्रथाएं जो स्त्री का शोषण करती है, उसे घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर देती हैं, उसे बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र बनाकर छोड़ देती हैं, उसकी जिंदगी चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बर्तन तक ही सीमित हो जाती है, क्या ये सब भारत और भारत में फलने फूलने वाले धर्मों की देन है या ये कहीं और से आई हैं जिन्हें भारतीय लोगों ने स्वीकार कर लिया है? क्या सचमुच भारत की स्त्रियां पहले ऐसी ही होती थी? और अगर ऐसी ही होती थी भारत की स्त्रियां, तो फिर उनको देवी शक्ति क्यों कहा गया? उनको राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, उमा शंकर, इन सब में उनका नाम पहले क्यों आता रहा? क्या इतिहास में सिर्फ पुरुष ही थे जिन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, जिन्होंने महानता हासिल की? क्या हमेशा भारत में स्त्रियों का शोषण हुआ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे संबंधित अनेक सवाल अगर आपके मन में उठते हैं तो ये एक पुस्तक जरूर पढ़ना, जिसमें से कुछ बातें अभी मैं आपके सामने रखूंगा, पर उसको पूरा पढ़ना है तो जरूर पढ़ना, जिसका नाम है महिला जागरण, दिशा और धारा। इस नाम से भगवती देवी शर्मा लेखिका हैं। इसमें आपको सैकड़ों की संख्या में स्त्रियों के नाम मिलेंगे जिन्होंने इतिहास में अनेक ऐसे काम किए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी कितनी ही स्त्रियां हुई हैं जिनके नाम उन्होंने गिनाए यहाँ पर। और ये जो परंपराएं, प्रथाएं आज भारत के लोग संस्कृति और धर्म के नाम पर पकड़ कर बैठे हैं, वे कहाँ से आई हैं, कैसे हमने उसे स्वीकार कर लिया है, इससे संबंधित भी कुछ बातें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। स्त्री पुरुष दोनों को पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक के कुछ पन्ने मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नारी की सनातन गरिमा, भगवती देवी शर्मा, इन्होंने लिखा है कि नारी आज जिस स्थिति में रह रही है उसे अच्छा नहीं समझा जा सकता, और ये बात सभी स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी की स्थिति और स्तर बदलने की आवाज़ इसीलिए उठाई जा रही है, और हर समझदार व्यक्ति इसका समर्थन कर रहा है। फिर भी कुछ परंपरावादी लोग ये आग्रह करते हैं कि नारी की वर्तमान स्थिति को बदला ना जाए, और इसके संबंध में उनका तर्क यह होता है कि हमारे पूर्वज पुरुष, हमारे जो पूर्व पुरुष थे, वो अधिक समझदार थे, और उन्होंने जो नियम तथा मर्यादाएं बनाई हैं उन्हें बदलना उनका अपमान करने जैसा है। और कुछ की तो आस्था इस विषय में इतनी अधिक है
कि इन रूढ़ियों को ही वे धर्म मर्यादाएं मानते हैं और उनमें सुधार करना उन्हें धर्म विरुद्ध लगता है। बहुत लोग हैं ऐसे। आप अगर समाज में फैली किसी भी बुराई को ठीक करने जाओगे ना, तो कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग क्या कहेंगे। पर चूंकि वो ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं, लोग उन्हें अपना नेता, अपना गुरु समझते हैं, इसलिए वे उनकी बात मानते हैं। पर वो अज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्व पुरुष थे वो ज्यादा समझदार थे, और ये जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, ये अतीत से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या कोई भी चीज पुरानी है इसलिए वो अच्छी हो गई? कोई चीज पुरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होती है। और अगर पुरानी चीज ही अच्छी होती है और उसे ही बचाए रखने का आपका इतना आग्रह है, तो भैया जाकर जंगल में रहो, नंगे घूमो। तुम तो यही करते थे ना पहले, वहीं रहते थे, तो फिर आज क्यों ये घर महल बना रहे हो? पहले जैसे तुम झोपड़े झोपड़ी में रहते थे, जाकर रहो ना वैसे। पहले जैसे पत्ते लपेटते थे शरीर पर, लपेटो जाकर। अगर आप कहते हो कि ये हमारी बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, तो भैया जाओ, जाकर सब कुछ पुराना ही पकड़ो ना। शहरों में क्यों रह रहे हो, जंगलों में रहो। और पुराना ही अगर सब कुछ अच्छा होता है, तो जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो नए कपड़े काय को लेते हो? पुरानी ही बातें पकड़ के रखनी है तो 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खाओ ना जाकर। लेकिन वहां तुम ये हरकत नहीं करोगे कि पुराना है तो कैसे उसको फेंक दें, कैसे उसको छोड़ दें। पर यहां समाज में जो मूर्खताएं चलती है उनको चलाए रखने के लिए ये मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कुछ मंदबुद्धि लोग कि ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारी संस्कृति है और ये लंबे समय से चलती आ रही है। और ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके स्वार्थ उसमें जुड़े हुए हैं। अपने स्वार्थों को बचाए रखने के लिए ये ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी चीज पुरानी है तो पुरानी होने से वह सही नहीं हो जाती है, वह सही है अथवा नहीं है उसके लिए उसकी उपयोगिता देखी जाएगी कि आज वह कितनी उपयोगी है। पुराने मोबाइल यूज करते हो क्या? पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो क्या आप? अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम पुराना इस्तेमाल करना चाहते हो। बाजार में घुसते हो तो तुम्हारी आंखें हर किसी चीज पर पड़ती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पालूं, वो पालूं, और जो पुराना है उसे फेंक दूं। पर जहां मूर्खताएं छोड़ने की बात आती है, वहां पर पुरानी चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और पुरानी भी वो नहीं जो सचमुच बहुत पीछे से आ रही हो, समझदारी से आ रही हो, नहीं तो अतीत में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत पुराना है और उसके बावजूद भी ऐसा है कि आज भी आपके लिए बहुत काम का है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है अतीत का। अतीत में बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ समाज को ऐसा दिया है जो आज भी संसार के लिए बहुत उपयोगी है। पर वो जो खजाना है अतीत का, उसकी तरफ ये मूर्ख और अज्ञानी लोग ध्यान नहीं देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, ये मूर्खताओं की बात करेंगे जहां इनके स्वार्थ पूरे होते हों, जहां ये समाज में कमजोर लोगों का शोषण कर सकें, उनको लूट सकें, उनके मालिक बन सकें। इनको स्त्रियों का शोषण करना है तो उसके पक्ष में जो तर्क होंगे वो ये लेकर आ जाएंगे। इनको समाज के कुछ लोगों को नीची जात कह करके उनका शोषण करना है तो ये उसके पक्ष में तर्क ले आएंगे। इसी से पता चल रहा है ना इनकी नीयत कैसी है, ये कैसे घटिया लोग हैं। ये लोग जो समाज में पशु बलि को, चाहे झटका हो, हलाल हो, जो भी हो, चाहे स्त्री का शोषण हो, चाहे कम उम्र में विवाह हो, चाहे पशु बलि हो, जो भी मूर्खता हो, उसके पक्ष में ये तर्क लेकर आएंगे। आगे वे कहती हैं कि ऐसा कहने वाले व्यक्ति यदि सचमुच पूर्वजों के प्रति सम्मान तथा धर्म के प्रति आस्था रखकर ऐसा करते हैं तो उनकी भावना का आदर किया जा सकता है, किंतु उनसे एक विनम्र निवेदन करना उचित लगता है। वो क्या? वो ये कि वे सही अर्थों में अपने पूर्वजों के आदर्श तथा धर्म का स्वरूप समझने के लिए कुछ 100 वर्ष की परंपराओं तक ही सीमित ना रह जाएं,
भारत के उस गौरव में अतीत का भी अध्ययन करें जब ये देश विश्व गुरु का सम्मान पाए हुए था। ये जो तुमने देखा होगा मीडिया चैनलों पर मूर्खतापूर्ण हरकतें चलती रहती हैं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दिन भर बकते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं। ये संस्कृति की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, समाज की परंपराओं को बनाए रखने की बात करते हैं, मूर्खताओं को हटाने की बात करो तो इनको लगता है कि इनके धर्म के खिलाफ जाकर कोई बात की जा रही है। ये लोग किसे अपनी संस्कृति बता रहे हैं जो पिछले 100-200 सालों में इनके देश पर दूसरे देश के आक्रांताओं ने ला करके छोड़ डाली हैं उनको। तो ये जो लेखिका है ये कह रही है जरा पीछे जाओ, उस समय में जाओ, उस दौर में जाओ जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जब भारत सोने की चिड़िया था। तो उन लोगों से लेखिका कह रही है कि तुम ये 100-200 वर्षों तक ही सीमित क्यों रह रहे हो, थोड़ा और पीछे जाओ ना, वो जो गौरव में अतीत है भारत का, वहां तक जाओ, वहां जाकर देखो कि स्त्रियों की हालत कैसी थी, किस तरह वो आजाद थी, किस तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया, कैसे उन्होंने महानता को हासिल किया, किस तरह वो मुक्त थी, किस तरह वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वहां तुम नहीं जाते क्योंकि वहां चले गए तो फिर इनको तुम कैद कैसे कर पाओगे, कैसे कह पाओगे कि स्त्रियों का काम तो बस बच्चे पैदा करना है, पति की सेवा करना है और घर के अंदर रहना है, कैसे कह पाओगे फिर। इसलिए तुम ज्यादा पीछे नहीं जाते, बस वहीं तक जाते हो जहां तुम्हारी मूर्खताओं को बल मिले। आगे वे कहती हैं कि ये एक बात और समझ लेनी चाहिए और वह है सिद्धांतों, आदर्शों तथा प्रथाओं परंपराओं का अंतर। सिद्धांतों, आदर्शों और प्रथाओं परंपराओं का अंतर। समाज में देखते हो ना, सनातन 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 धर्म, सनातन के नाम पर मूर्खताओं को सनातन कहते हैं लोग। दो कोड़ी की कोई मान्यता होगी उसको कहेंगे सनातन धर्म, वारे पगलों। लेखिका कह रही है नैतिक आदर्शों तथा श्रेष्ठ सिद्धांतों को ही सनातन माना जाता है, नैतिक आदर्शों तथा श्रेष्ठ सिद्धांतों को ही सनातन माना जाता है। जैसे आत्मसंयम, कर्तव्य पालन, लोक हित की भावना, ऐसे उच्च आदर्शों को ही ना बदले जाने योग्य धर्म सिद्धांत कह सकते हैं और उन्हीं के पालन के लिए लोगों पर दबाव डालना उचित हो सकता है। क्या कह रही है वो कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो आदर्श हैं, सिर्फ यही हैं जिनको ना बदले जाने योग्य धर्म सिद्धांत कह सकते हैं कि इनको नहीं बदलना है। जैसे भारत करुणा, प्रेम, अहिंसा की बात करता है, ये सिद्धांत हैं, इनको नहीं बदला जा सकता। पर ये जो खाने पीने, उठने बैठने, ये इनके जैसे जो नियम है ये तो बदलते रहते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा घर होगा, कैसी घर में व्यवस्था होगी, ये सब चीजें तो बदलते रहते हैं, इनको थोड़ी ना सनातन कहते हैं। पर देखो हमारे देश में, अरे स्त्री को मुंह ढक के रखना है, अरे स्त्री दहलीज से बाहर नहीं जाएगी, अरे वो पढ़ाई नहीं करेगी, नौकरी नहीं करेगी, घर में रहेगी, इनको अज्ञानी लोग सनातन कह देते हैं। आगे लेखिका कहते हैं कि यदि अपने पूर्व काल और आज की स्थिति के बीच हम इन स्थूल नियमों के आधार पर ही विचार करें तब तो उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है, है ना। अगर आप कहते हो कि धर्म यही है, संस्कृति यही है जो सनातन है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, कैसे रहना है, तो लेखिका कहती है अगर आज की हालत का अतीत से अगर हम तुलना करें तो बहुत अंतर दिखाई देता है, जमीन आसमान का। उस समय के खान पान में, रहन सहन में, मकान में और आने जाने के जो साधन है उनमें तो भारी अंतर पड़ गया है। हजारों वर्ष पुरानी बात को छोड़कर यदि कुछ 100 वर्ष पहले की स्थिति देखें तो पता पड़ता है कि बिजली, रेल, मोटर, डाक, तार, घड़ी, चश्मा, फाउंटेन पेन आदि का अता पता भी नहीं था, उनके बिना ही सारा काम चलता था और जिन साधनों से पहले काम चलता था अब वे प्रयोग में नहीं आते। कहने का उनका मतलब है कि आज से 100-200 साल पीछे तुम जाओगे तो तुम्हारे पास ये सब मोटर कार नहीं थी, डाक की सुविधा नहीं थी,
आज मोबाइल इस्तेमाल करते हो तब तुम नहीं करते थे, आज की घड़ी और तब की घड़ी में कितना अंतर है, तब की और आज की रेल में कितना अंतर है। ये जो भी तुम ऊपर से नीचे तक लादते हो अपने घर में, अपने तन में, अपने शरीर पर, 100-200 साल पीछे जाओगे तो ये सब ऐसा नहीं था। तो भैया अगर इन सबको ही तुम सनातन धर्म कह दोगे तो ये तो हर 100-200 साल में बदलता रहता है, तो कहां गया तुम्हारा सनातन धर्म इसमें? तो इन सबको सनातन नहीं कहा जाता है, और जो चीजें तब इस्तेमाल करते थे आज तुम इस्तेमाल ही नहीं करते हो। जिन साधनों से पहले काम चलता था अब वे प्रयोग में नहीं आते। नई सुविधाजनक वस्तुओं का विरोध कोई इसलिए नहीं करता है कि उन्हें पूर्वज प्रयोग नहीं करते थे, तो अब हम क्यों करें? वे कह रही हैं कि आज जो नई सुविधाजनक वस्तुएं हैं, आज जो जो नए आविष्कार होते हैं, नई चीजें आ जाती हैं बाजार में, क्या हम उनका विरोध ये कह करके करते हैं कि नहीं इनका प्रयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे इसलिए हम नहीं करेंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मूर्ख हैं। आज देखो तुम चिकित्सा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या हम उस सबको नकारते हैं? क्या हम ये कहते हैं कि नहीं ये सब हमारे पूर्वज नहीं करते थे इसलिए हम भी इनका उपयोग नहीं करेंगे? ऐसा तो हम नहीं कहते। अभी बीमार हो जाओगे तो जाकर अस्पताल में बैठ जाओगे, दवाइयां गोलियां लोगे, वो जो पहले नहीं थी, जिन बीमारियों का इलाज पहले नहीं हुआ करता था आज तुम उनका इलाज कराते हो। तब तो तुम नहीं कहते कि नहीं इनको हमारे पूर्वज इस्तेमाल नहीं करते थे इसलिए आज हम भी इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तो फटाफट ले लेते हो। पर जो पुरानी मूर्खताएं चल रही हैं उनको तुम कहते हो कि नहीं ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, स्थापित की थी, इनको कैसे बदल सकते हैं? मूर्खता है ना ये ऐसा कहना। आगे वे लेखिका कहती हैं कि ठंडक के दिनों में जो कपड़े पहने जाते हैं उन्हें गर्मी के दिनों में कोई नहीं पहनता, और इसी प्रकार गर्मी के हल्के कपड़े सर्दी में काम नहीं देते। पर इस परिवर्तन का हम में से कोई भी विरोध नहीं करता। हम कहते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है, सर्दी के दिनों में मोटे कपड़े पहने जाते थे और बंद घरों में सोया जाता था। माने जो जहां उपयोगी है, जहां जिसकी सुविधा है आप वहां उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां आप ये मूर्खता नहीं लाते अपने बीच में। बच्चे जिन कपड़ों को पहनते हैं बड़े होने पर उनसे काम नहीं चलता, बचपन के कपड़े उसी को ही आजीवन पहनने रहने का आग्रह इस आधार पर नहीं किया जाता कि हमारे पूज्य पिताजी ने जो पोशाक सिलवाई थी वे बड़ी आयु में भी काम देनी चाहिए। आप क्या वही कपड़े पहनते हो जो बचपन में पहनते थे ये कह करके कि अरे वो तो हमारे पिताजी ने सिलवाई थी हमारे लिए तो आज भी हम उसे ही पहनेंगे? नहीं पहनते हो ना, पहनी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि तब उन कपड़ों की उपयोगिता रही होगी, आज नहीं है। यहां वो एक बात कहती हैं कि केवल पुरानी होने के आधार पर किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। पुरानी रस्म भस्में अच्छी मानी जा सकती हैं, पर 10 साल पुराना घी खाने के लिए कोई तैयार ना होगा। पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने मकान नए की तुलना में घटिया माने जाते हैं। तो प्रश्न पुराने या नए का नहीं है, प्रश्न है उपयोगिता का। यदि पुरानापन ही श्रेष्ठता का चिन्ह रहा होता तो कबाड़ियों की दुकान पर बिकने वाली फटी पुरानी चीजें नई चीजों की तुलना में अधिक मूल्यवान ही होती। तो हमारा आग्रह पुराने का नहीं होना चाहिए, हमारा आग्रह उपयोगिता को ही महत्व देना चाहिए। और ये जो समाज में एक प्रचलन था ना कि कम उम्र में शादी क्यों कर देते थे स्त्रियों की, इसका कारण भी आपको इस पुस्तक में पता चलेगा। क्यों औरतें मुंह ढकती थीं ये भी आपको समझने को मिलेगा। क्यों ये जो मुस्लिम संप्रदाय है इसमें देखते हो कि स्त्रियां बुर्का पहनती है, थोड़ी उसकी भी झलक आपको दिखेगी। आज जो स्त्री की हालत है और वास्तव में जो स्त्री की हालत रही है, स्त्री की स्थिति रही है भारत में हजारों सालों के पहले जो इतिहास था उसमें, उसका अंतर आपको देखने को समझने को मिलेगा। तो पढ़िएगा इस पुस्तक को, अनेक नाम आपको पता चलेंगे, जो नाम पता चलें उनके बारे में भी पढ़िएगा, ये भी आपको समझने को मिलेगा कि किस तरह से स्त्री को घर में कैद
रखने के कारण पुरुष भी दुख पाता है और अनेक समस्याओं का सामना उसे अकेले ही करना पड़ता है। सारे घर का बोझ पुरुष अकेला क्यों उठाता है? क्योंकि स्त्री को इस लायक होने ही नहीं दिया आपने कि वो आपका साथ दे सके। और अगर स्त्री इस लायक नहीं है तो वो भी आपके लिए समस्या ही बन जाएगी। आपके अनेक तरह की मानसिक समस्याओं का कारण स्त्री हो जाती है, इसलिए नहीं कि वो खराब है, इसलिए कि हमने उसकी हालत ऐसी कर दी है, माने समाज ने, समाज की व्यवस्था ने। तो वो आपको थोड़ा समझने को यहाँ पर मिलेगा, पढ़िएगा इसे।